फ्रेंड्स, मैं आज आपको 3ds Max की बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूँ, जो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फ्रेंड्स, अगर हम 3ds Max में कोई भी ऑब्जेक्ट पर एडिटिंग करते हैं तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले मॉडिफायर में आते हैं, और मॉडिफायर में आते हैं फ्रेंड्स हम मॉडिफायर लगाते हैं, जिससे फ्रेंड्स उस ऑब्जेक्ट को एडिट कर सके। तो फ्रेंड्स हम मॉडिफाई लगाने के लिए मॉडिफाई लिस्ट में जाते हैं और फ्रेंड्स हम कोई भी अपने यूज को मॉडिफायर यूज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा, जिससे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सारे मॉडिफायर यहाँ पर शो होंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते फ्रेंड्स आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सारे मॉडिफायर शो हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स हमारे लिए यूजफुल है। फ्रेंड्स अगर आप अपने होम स्क्रीन पर 8 या 9 या 10 जितने भी मॉडिफायर रखना चाहते हैं उनको फ्रेंड्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। और फ्रेंड्स इनको एडिट करने के लिए आपको जिस बटन को एडिट करना है उस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है, और फ्रेंड्स आप जो वाली कमांड वहाँ पर या फिर वहाँ पर जो मॉडिफायर रखना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करना है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर वो मॉडिफायर आ जाएगा, जिसको फ्रेंड्स आप बहुत आसानी से यूज भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर भी फ्रेंड्स आपको वो शो नहीं होगी, तो फ्रेंड्स आपको फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते फ्रेंड्स आप एक ऑप्शन आ शो बटन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते फ्रेंड्स आपको आपने जो मॉडिफायर सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर फ्रेंड्स शो हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और फ्रेंड्स आप एडिटिंग करते हैं तो फ्रेंड्स जो आपके बहुत ज़्यादा यूज आते हैं उन मॉडिफायर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।